अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सना के किचन। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की बिरयानी। व्यूअर्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरे पास तकरीबन हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास चिकन है, इसको मैंने वॉश करके अच्छे से काट के रख लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करने जा रहे हैं, ये है मेरे पास तकरीबन हाफ के जी दही। ये मैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारा डाल लूँगी, थोड़ा सा तकरीबन एक टेबल दो टेबल स्पून के करीब मैं इसको रख लूँगी। अच्छा, ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का कुटा हुआ, और ये है मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें, ये भी इसमें चली जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास है टमाटो की प्यूरी, 2 टमाटो को मैंने अच्छे से जो सा है वो क्रश कर लिया है, ये भी इसमें चला गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे हैं मसाले, ये है 1/2 चम्मच के करीब हमारे पास हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का, 1 ही टेबलस्पून है नमक का, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून है अजवाइन, ये है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, वो भी चले गए हमारे सब के सब चिकन के अंदर। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे व्यूअर्स कि हम इनको करेंगे अच्छी तरह से। व्यूअर्स, ये बड़े ही मज़े की बिरयानी बनती है। प्रिपरेशन आपने क्या करनी है, एक आपने टोमेटो जो से हैं वो क्रश करके ग्राइंड करके अपने पास रखने हैं, और आपने क्या करना है, ये सारे मसाले इस तरह से आपने चिकन में ऐड करने हैं। ठीक है, अगर तो आप इसको मैरिनेट करके रखते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, उसके बाद आप बनाते हैं तो इसका जो टेस्ट आएगा वो लाजवाब आएगा। इस तरह भी अगर आप फ़ौरन से कोई गेस्ट आ गए हैं, आपको जल्दी से अपना जो सा है वो खाना रेडी करना है, बस जल्दी से चिकन को ऐसे करें इसको, और आपका खाना जो सा है बड़ी मज़े की बिरयानी हो जाएगी रेडी। अब व्यूअर्स, एक और इंग्रेडिएंट है जो हमने इसी में ऐड करनी है, वो है व्यूअर्स, ये मैंने 2 जो हैं दरमियाने साइज़ के प्याज वो मैंने अच्छे से गोल्डन जो हैं वो करके रख लिए हुए हैं, वो भी हमारे जाएंगे इसी चिकन के अंदर। ठीक हो गया। इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। सब कुछ व्यूअर्स आपने देखा, सब कुछ इसमें ऐड हो गया है। अब आप अपना पैन रख लें, उसमें आप डाल लें तकरीबन 1 कप के करीब, ये जो मैं बना रही हूँ 1 किलो चावल के लिए है हमारा ये मिक्सचर। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो इन सब चीज़ों को डबल कर लें, अगर क्वांटिटी कम करते हैं चावलों की तो इन सब चीज़ों को आप हाफ कर लें। ठीक हो गया। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो सा है कम या ज़्यादा कर लेना है। ठीक हो गया व्यूअर्स। आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने ऑयल जो सा है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम अपने इस मिक्सचर को डालेंगे अपने ऑयल। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा ऑयल हो गया है गरम, मैं अब इसमें डाल रही हूँ अपना ये चिकन का किया हुआ रेडी मिक्सचर। ठीक हो गया। कुछ भी नहीं करना व्यूअर्स, ना भूनने का झंझट है ना कुछ और करने का झंझट है, सिंपल आपने अपने इस चिकन को इसमें ऐड किया। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने चिकन अपने को डाल देना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बस अब आपने इसको मीडियम आंच पे रख के तो इसको आपने कवर कर देना है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, ये मैंने अपने चावल जो उनसे हैं वो बॉईल करके रख लिए हैं। बिरयानी के जो चावल होते हैं उनको हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने इतना उनको बॉईल करना है कि आप ये देखें ये अभी सही तरह से मेरे हाथ में नहीं वो मसले जा रहे। ठीक है, मतलब कि इसकी हमने 1 कनी जो सा इन चावलों की बना के रखनी है। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल नमक डाल के जो नॉर्मल घर में खाने के लिए चावल बॉयल करते हैं वो मैंने करके रख लिए हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा चिकन रेडी होता है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, हमने इसको कैसे असेंबल करना है और कैसे हमने इसको अपने मेहमानों के आगे पेश करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारा जो सा है बिरयानी का मसाला जो सा है वो रेडी हो रहा है। इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, चिकन का पानी था, टमाटर का, दही का, उसी में ये सब कुछ जो सा है गल जाएगा। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, मैं जो सा है अपनी बिरयानी में ऐड कर रही हूँ आलू, ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर में फैमिली पसंद करती है तो आप ऐड कर दें, अगर आप लोगों को नहीं अच्छे लगते आप इसको स्किप कर दें। इसको हम ऐड कर देंगे, इस स्टेज पे इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये हमारा जो इस पानी के साथ ही हमारा जो आलू है वो गल जाएगा।
उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और हमारी झटपट बिरयानी जो सी है वो हो जाएगी रेडी। व्यूअर्स, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको मेरी जो ये रेसिपी है झटपट बिरयानी की आपको कैसी लगी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला ऑलमोस्ट हो गया है रेडी, पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब मैं इसको ऊंची आंच पे सिर्फ थोड़ा सा भून रही हूँ। ठीक हो गया, मेरे आलू जो उनसे ऑलमोस्ट 90% जो हैं वो गल गए हैं। अब बाकी जो 10% है वो जब हम दम लगाएंगे अपनी बिरयानी को तो उस वक्त वो हमारे रेडी हो जाएंगे। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, तकरीबन अंदाजन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ। आपने नोट किया होगा व्यूअर्स, बिल्कुल होममेड बिरयानी, होममेड मसालों से, कोई बाहर का मसाला, कोई डब्बे का मसाला हमने नहीं यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट चल के इंशाल्लाह ताला आपको वो वाली बिरयानियाँ भी ज़रूर बना के खिलाऊंगी। बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी व्यूअर्स, अब मैं अपने चावलों को करूँगी असेंबल। मेरे चावल जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे, अब मैं इनको करूँगी अपने पैन में असेंबल। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने चावल जो उनसे हैं अपने पतीले में रेडी इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इनको शिफ्ट करूँ, इसके ऊपर डालूंगी जो हमारा चिकन का मसाला हमने रेडी किया था, वो मैं इसको सारे को ट्रांसफ़र करूँगी अपने इस बिरयानी के चावलों के ऊपर। जी व्यूअर्स, ये हमारा मसाला हो गया है ट्रांसफ़र हमारे चावलों के ऊपर। एंड पे हम बिल्कुल 1-2 हरी मिर्च डालेंगे और साथ में 1 लेमन के इस तरह से गोल गोल स्लाइस काट के वो हम अपने इस मसाले के ऊपर रख देंगे। और अब हम इसको दे देंगे 15 मिनट के लिए दम। दम के बाद आपको बताते हैं इसका टेस्ट और फाइनल लुक। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी यमी सी झटपट मसालेदार बिरयानी जो है वो हो गई है रेडी। अब आपने इसको करना है डिश आउट और सर्व करें इसको एक बड़े से सैलड के बाउल के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फी अमान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह।